हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के सभी ब्लेडों का डिजाइन और शेप एक जैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? बाजार में कई तरह की कंपनियां हैं जो कि कई तरह के डिजाइन और शेप बना सकती हैं, लेकिन वह एक जैसा ही ब्लेड का डिजाइन और शेप क्यों बनाती है? तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जिलेट कंपनी ने 1895 ईस्वी में शेविंग ब्लेड का डिजाइन तैयार किया था, जिसे किंग सी जिलेट ने बनाया था और 1901 ईस्वी में इसे पेटेंट करवाकर बाजार में लॉन्च किया और यह हाथों हाथ बिकने लगा और हर घर की पसंद बन गया। आगे बात करें इसके डिजाइन और शेप की, तो इसे इस तरह का डिजाइन और शेप इसलिए दिया गया ताकि यह रेजर में आसानी से फिट हो सके और साथ ही साथ जिलेट कंपनी ने इसे 25 सालों के लिए पेटेंट करवा लिया। इससे दूसरी कंपनियां रेजर तो बना सकती थी, लेकिन उन्हें ब्लेड जिलेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। बाद में कंपनियां ब्लेड तो बनाने लगी, लेकिन उन्हें डिजाइन और शेप जिलेट के अनुसार ही रखना पड़ा और 25 सालों के बाद भी आज तक सभी ब्लेडों के डिजाइन और शेप एक जैसे ही हैं। बाजार में कई तरह की कंपनियां आ चुकी हैं, लेकिन वे डिजाइन और शेप अलग नहीं बना सकती। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।